Hello students, in this video we are going to discuss the topic solar cell. तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि what is solar cell, तो इसमें हमें कुछ बातें बतानी होती हैं, जैसे definition, construction, working and uses. तो प्यारे बच्चों, discuss करते हैं solar cell with each point one by one. तो सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द सोलर सेल, आपसे पूरा 3 मार्क्स का ऑप्शन अगर ये बन जाए तो किस तरह से हम इसको आंसर करेंगे, लेट्स सी. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें सोलर सेल की डेफिनेशन लिखनी होती है. तो हमसे अगर सोलर सेल पूछा जाए तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी जो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, वो इसके नाम में ही छुपी हुई है. अगर आप ध्यान से देखें, हमसे पूछा गया है सोलर सेल, तो सबसे पहले इस वर्ड को छुपा दीजिए, सोलर को. तो क्या बचता है, सेल. अब सेल क्या होते हैं, ठीक है, सेल हमें मालूम है, समथिंग विच प्रोवाइड करंट, एक ऐसी चीज जो हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक करंट देती है विद सर्टेन वोल्टेज. क्योंकि जो सेल होते हैं, सब में एक कॉमन बात होती है कि सभी सेल हमें क्या देते हैं, करंट देते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सभी सेल की वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है. कोई सेल 1 वोल्ट का होता है, कोई सेल 2 वोल्ट का होता है, कोई 5 वोल्ट का होता है, ठीक है. तो सेल में कॉमन बात क्या होती है कि सभी सेल करंट देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि अंडर अ सर्टेन वोल्टेज, ठीक है. तो सेल क्या होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सेल इज समथिंग विच गिव करंट, या ये भी कह सकते हैं सेल इज समथिंग विच प्रोवाइड वोल्टेज, वो हमें खास वोल्टेज भी देते हैं, ओके? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सोलर सेल क्या होते हैं, तो सोलर को छुपा लीजिए, क्या मतलब हुआ, सेल यानी ये हमें क्या देगा, एक वोल्टेज देता है, ठीक है. और किसकी हेल्प से, सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की हेल्प से. तो यही इसकी डेफिनेशन है. तो देखिए, इट इज द पीएन जंक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, या विच ऐसे नहीं बोलेंगे, विच हम ये लिखेंगे विच प्रोवाइड सर्टेन विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, जो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है विद सर्टेन वोल्टेज. वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, ईएमएफ. विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, दिस इज द डेफिनेशन. सोलर सेल क्या है, हम पीएन जंक्शन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट लेने के लिए विद सर्टेन वोल्टेज या ईएमएफ, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. सनलाइट आता है और सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में, और वो वोल्टेज हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराता है. तो दिस इज द डेफिनेशन. इसके बाद प्यारे बच्चों, हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, तो हम पॉइंट्स में लिखेंगे जिससे आपको याद करने में ज्यादा आसानी रहे. तो इसमें अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास एक पीएन जंक्शन होता है, लेकिन इस पीएन जंक्शन पे अगर आप देखेंगे, जो पी लेयर होती है वो ज्यादा वाइड होती है, और जो एन लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है. जो पी लेयर है उसकी जो विड्थ है वो 300 माइक्रोमीटर, और जो एन लेयर है उसका ऑर्डर है 0.3 माइक्रोमीटर. यानी इसमें एक पीएन जंक्शन होता है जिसमें पी लेयर वाइड होती है और एन लेयर थोड़ी सी पतली होती है. तो नंबर वन पॉइंट, it contain a
PN junction in which P layer is thick and N layer is thin. First point, इसमें एक PN junction होता है जिसमें P layer मोटी होती है और N layer पतली होती है. क्या रेशियो रहता है वो हमने आपको लिख दिया है. चलिए दूसरी बात, ये जो PN junction होता है इसको हम कोई भी biasing नहीं देते, ना ही हम forward bias और ना ही reverse bias. जैसे इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पहला हमने पढ़ा था फोटोडायोड और दूसरा हमने पढ़ा था एलईडी. फोटोडायोड में हम रिवर्स बायस देते हैं और एलईडी में हम फॉरवर्ड बायस देते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सोलर सेल में हम पीएन जंक्शन को कोई भी बायसिंग नहीं देते, ये आप याद रखेंगे. इट कंटेन पीएन जंक्शन इन विच पी लेयर इज थिक एंड एन लेयर इज थिन without any biasing. ये एक important point है, ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, the device which work under forward bias LED, the device which work under reverse bias photodiode, the device which work without biasing solar cell. ये याद रखिए, तीनों में डिफरेंस होता है, ठीक है. चलिए तो इसमें एक पीएन जंक्शन होता है, विदाउट बाइसिंग होता है, पी लेयर बड़ी मोटी होती है और एन लेयर क्या होती है, पतली होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर टू. इसमें जो पी लेयर होती है उस पर हम एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना. पी लेयर कंटेन अ मेटालिक कोटिंग, मेटालिक कोटिंग, ठीक है. नंबर थ्री, जो एन लेयर होती है उसके ऊपर एक मेटल का इलेक्ट्रोड होता है और इसकी जो शेप होती है ऐसे होती है जैसे फिंगर शेप, ठीक है ना. तो इसके ऊपर जो एन लेयर है इसके ऊपर एक मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है फिंगर शेप में, ठीक है ना. फिंगर शेप, इसमें जो इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, फिंगर शेप होती है, ठीक है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट, एन लेयर कंटेन अ मेटालिक इलेक्ट्रोड ऑफ फिंगर शेप, ठीक है. इसमें एक मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है जिसकी शेप कैसे होती है, फिंगर जैसी होती है. और ये जो एन का ऊपर वाला जो होता है हिस्सा, ये ओपन होता है. जो एन की सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, टॉप सरफेस. तो ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है बहुत ही कम जगह घेरता है, या कितनी जगह, केवल मुश्किल से 15%, ठीक है ना. मेटालिक इलेक्ट्रोड ऑक्यूपाई ओनली 50% एरिया, यानी 85% एरिया जो होता है वो फ्री होता है, किसके लिए, लाइट के लिए, ठीक है ना. एन लेयर कंटेन अ मेटालिक इलेक्ट्रोड ऑफ फिंगर शेप विच कवर ओनली 50% एरिया ऑफ टॉप सरफेस. ये जो टॉप सरफेस है इसका केवल 50% एरिया ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है ये कवर करता है. 85% एरिया फ्री होता है किसके लिए, जो लाइट आसानी से इसके ऊपर इंसिडेंट हो सके, ठीक है.
which cover only 50% area. Rest of area of top surface is for solar light. Yes, solar light. ठीक है ना, जो सोलर एनर्जी है जो इंसिडेंट होगा, ठीक है ना, उसके लिए बाकी हिस्सा क्या होता है, फ्री होता है. ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन. सो होप डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेफिनेशन और ये कंस्ट्रक्शन राइट डाउन कर लीजिए. अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं. ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन और वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए. नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ सोलर सेल. ओके स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस द वर्किंग ऑफ सोलर सेल. सोलर सेल की जो वर्किंग है प्यारे बच्चों, उसमें तीन प्रोसेस होते हैं. देयर आर थ्री बेसिक प्रोसेस इन सोलर सेल. नंबर वन, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन. तो क्या है ये तीनों प्रोसेस समझिए. सबसे पहले जनरेशन क्या होता है, तो देखिए जो लाइट है, लाइट यानी फोटोन, वो सीधा इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, एन लेयर के ऊपर. जो लाइट है वो इंसिडेंट किसके ऊपर होगा, एन लेयर के ऊपर. और चूंकि ये एन लेयर बहुत ही ज्यादा पतली होती है, तो यानी ये लाइट सीधी किधर पहुंच जाती है, एन और पी के बीच में, जो क्या होती है, डिप्लीशन रीजन. ओके, डिप्लीशन रीजन में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. तो डिप्लीशन रीजन के जो एटम होते हैं, डिप्लीशन रीजन के अंदर जो सेमीकंडक्टर के एटम होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये रट लेना कि डिप्लीशन रीजन के अंदर कौन होता है. डिप्लीशन रीजन के अंदर सेमीकंडक्टर के एटम होते हैं. क्या नहीं होता डिप्लीशन रीजन में, चार्ज कैरियर नहीं होते, ना ही कोई होल होता है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन. तो डिप्लीशन रीजन के अंदर कौन होते हैं, सेमीकंडक्टर के एटम. तो जैसे ही ये लाइट आता है, सेमीकंडक्टर के एटम उस लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनके जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाते हैं. जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो याद रखेंगे. देखिए जनरेशन में क्या होता है, सोलर लाइट फॉल ऑन एन लेयर एंड एब्सॉर्ब बाय सेमी कंडक्टर एटम इन डिप्लीशन लेयर या रीजन. क्या बात समझ में आ गई, जो सोलर एनर्जी है वो एन लेयर पे जाती है, और चूंकि एन लेयर इतना पतला होता है कि वो सोलर एनर्जी सीधा कहां पहुंच जाती है, डिप्लीशन रीजन पे. डिप्लीशन रीजन के अंदर जो एटम होते हैं सेमीकंडक्टर के, वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड एब्सॉर्ब बाय सेमीकंडक्टर एटम इन डिप्लीशन रीजन, ड्यू टू विच कोवेलेंट बॉन्ड गेट ब्रेक एंड न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस. ठीक, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इस सोलर एनर्जी की वजह से टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटते ही नए इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं. तो यहां पर होल्स और
इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है कि डिप्लीशन रीजन पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, एन से पी की तरफ होती है। डिप्लीशन रीजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एन से पी की तरफ होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या करेगा, जो प्रोड्यूस होल्स है उनको पी की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को किधर, एन की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। क्लियर। चलिए सो द सेकंड स्टेप सेपरेशन क्या होता है, जब डिप्लीशन रीजन में बॉन्ड टूटने से होल्स और इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो डिप्लीशन रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल्स को पी की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को एन की लेयर की तरफ भेज देता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन मोव होल्स टूवर्ड पी लेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड एन लेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है कि वो प्लस चार्ज को अपने साथ लेके जाता है और नेगेटिव को अपने से अपोजिट। तो ए की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एन से पी की तरफ है, तो वो होल्स को अपने साथ लेके जाएगा यानी पी लेयर में और इलेक्ट्रॉन्स को अपने पीछे थ्रो कर देगा यानी एन लेयर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन मूव होल्स टुवर्ड्स द पी लेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एन लेयर। क्या बात समझ आ गई? ओके। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज कलेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कलेक्ट हो जाते हैं किधर, टॉप सरफेस ऑफ एन लेयर, और जो होल्स हैं वे कलेक्ट हो जाते हैं किधर, मेटल, जो कोटेड मेटल होती है उसके पास ये क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए जो होल्स हैं वो किधर गए, पी लेयर पे, और कहां कलेक्ट हो जाते हैं, मेटालिक कोटिंग के पास। तो देखिए द होल्स गेट कलेक्टेड नियर द मेटालिक कोटिंग इन पी लेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन टॉप सरफेस इन एन लेयर। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं तीन प्रोसेस सोलर सेल के अंदर, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। जो सोलर लाइट है वो डिप्लीशन रीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा और नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं, जनरेशन। डिप्लीशन रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल्स को पी लेयर में और इलेक्ट्रॉन्स को एन लेयर में भेज देता है, दैट इज सेपरेशन। और ये जो होल्स हैं ये पी के अंदर आके ये जो मेटालिक कोटिंग होती है यहां इकट्ठे हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो एन लेयर की जो टॉप सरफेस है यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक।
तो ये जो मेटालिक कोटिंग है इन होल्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है फिंगर शेप का, इन इलेक्ट्रोड की वजह से क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो देख लीजिए, होल्स गेट कलेक्टेड नियर द मेटालिक कोटिंग इन पी लेयर, ठीक है। तो हेंस मेटालिक कोटिंग गेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू होल्स एंड मेटालिक इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड ऑफ एन लेयर गेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होल्स यहां इकट्ठे हो गए हैं मेटालिक कोटिंग के, मेटालिक कोटिंग पर, तो इन होल्स की वजह से मेटल, ये जो मेटल कोटेड है इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है एन फिंगर शेप का, इस पर कैसा निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे जो सेल होते हैं उनमें क्या खास बात होती है, सिंपल सी बात, सेल में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो वही काम यहां हो चुका है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज। तो ये हमारा एक तरह से क्या, सोलर सेल बन गया है। बस अब इसमें क्या होता है, जिस चीज में हमें करंट फ्लो करना होता है, मान लीजिए ये हमारा लोड रेजिस्टेंस जिसको हमें क्या देना है, करंट, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह से इसका क्या कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन नेगेटिव से और एक कनेक्शन ये जो मेटल कोटेड है पॉजिटिव, इससे कर देते हैं, और हमें यहां पे क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलर सेल, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सम मोर पॉइंट टू डिस्कस रिगार्डिंग द सोलर सेल। सबसे पहले कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो ज्यादा प्रिफर किए जाएंगे सोलर सेल को बनाने में, उनमें क्या खासियत होनी चाहिए। अगर हम किसी मटेरियल को सोलर सेल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उस मटेरियल में क्या क्या खास बात होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मटेरियल यूज्ड फॉर सोलर सेल। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी मटेरियल को यूज कर रहे हैं सोलर सेल बनाने के लिए, तो उसका जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। यानी अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या 1.8 से ज्यादा है, तो ऐसे मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं, जैसे सिलिकॉन, इसका एनर्जी गैप क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं सोलर सेल बनाने में। ऐसे ही गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप क्या होता है, 1.43, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं सोलर सेल बनाने में। बोर्ड में कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रिफर फॉर सोलर सेल। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। तो उसमें एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाई द सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर यूज्ड या प्रिफर फॉर द सोलर सेल, क्यों हम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को ज्यादा प्रिफर करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। तो आप आंसर क्या करेंगे, इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, यही 1 मार्क्स का आंसर होता है, ठीक है ना, क्योंकि सोलर सेल बनाने के लिए ऐसे मटेरियल ज्यादा अच्छे होते हैं जिनका
एनर्जी गैप क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8, ठीक है, यानी 2 वोल्ट तक काफी है। चलिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर, दूसरा वो मटेरियल हम ज्यादा यूज करेंगे जिसमें लाइट को ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन यानी ऑप्टिक यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा हो। तीसरा हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दूसरा वो जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और लो कॉस्ट, अगर वो हमें कम प्राइस में अवेलेबल हो तो ज्यादा बेहतर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है एक ऐसे मटेरियल के लिए जिसको हम यूज करेंगे एज अ सोलर सेल। चलिए, इसके बाद कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सोलर सेल यूज कहां होते हैं, तो इनका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है सैटेलाइट में। हम जब स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट कई सालों तक लगातार क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो सैटेलाइट को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहां से है, तो उसके अंदर सोलर सेल यूज करते हैं। तो वो जो सैटेलाइट है वो अपना वर्क भी करता रहता है, और उसके वर्किंग में हम जो सेल यूज करते हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली सन हीट से या सनलाइट से सोलर एनर्जी की हेल्प से कंटिन्यूअसली चार्ज भी होते रहते हैं, डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, चार्ज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। इन कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर होते हैं जिसमें कुछ आपने देखा होगा ब्राउन कलर के बॉक्स बने होते हैं साइड में, तो सनलाइट उन पर आती है और वे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो बार बार उन्हें सेल चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट VI कैरेक्टरिस्टिक, 1 मार्क्स में इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है सोलर सेल का। तो इसका जो ग्राफ है वो आप याद रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। इसका जो ग्राफ है वो किसमें बनेगा, फोर्थ, जैसे फोटोडायोड का ग्राफ कहां बना था, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स बायस में वर्क करता है। एलईडी का ग्राफ कहां बना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, इसमें तो कोई बायसिंग होती नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो किसमें बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जो हमारा सेल होता है, देखिए मार्केट में जब भी हम जाते हैं कि भाई हमें एक सेल दे दो, तो उसके पास क्या होती है, एक वोल्टेज होती है, यानी हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज। और जब हम किसी सेल को यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वोल्टेज क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, यानी वोल्टेज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और करंट क्या होता है, इंक्रीज। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें मिलता है, ठीक है। ये लोकेशन क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब यानी सेल को हमने किसी डिवाइस से अटैच नहीं किया है, और ये वाली लोकेशन क्या है, शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट यानी जब हम सेल को किसी डिवाइस के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। तो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक। तो 1 मार्क्स में एक बार तो 2-3 साल पहले बोर्ड में सीधा एक ग्राफ आ गया था, और सीधा बच्चों से पूछा गया था, बताइए ये ग्राफ किस डिवाइस के लिए है। तो जो समझदार बच्चे थे उन्होंने लिख दिया होगा सोलर सेल के लिए, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर सेल।